अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भाई हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल पार्क, ठाणे के सेंट्रल पार्क। ठाणे इससे थोड़ी पहले ही है, भिवंडी और ठाणे के बीच में, अब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, भिवंडी से 15-16 किलोमीटर दूर है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क। कल्पतारू से अंदर घुसेंगे उधर ही है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और जाके आपको दिखाते हैं क्या एक्टिविटी है, क्या है बच्चे लोग के लिए और क्या है, आप सबको पूरा दिखाएंगे। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर देखना भाई। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि छोटा मोटा पार्क नहीं है, 20 से 25 एकड़ में बना हुआ है, बहुत बड़ा पार्क है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और सब कुछ आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहो लास्ट तक। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। ये हम लोग कसेली पार कर चुके हैं, अभी कसेली से थोड़ी दूर पे मालकुम बटन आएगा। ये देखो भाई, यहाँ यहीं तक रिक्शे की एंट्री है और यहाँ पहुँच गए और अब ये कल्पतारू से अंदर आए। अब ये देखो, देखो टावर, सीधा चलो, सीधा 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 चलो, लोकेशन देख लो। आप लोग को रिक्शा या गाड़ी वहीं पर रोकना है, उसके बाद सीधा चले आएंगे, ठीक है। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये देखो, ये है मेन गेट, एंट्री गेट, और वो अपना भाई खड़ा है, उससे अपन टिकट निकलवा लिए ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। नहीं इधर देखो लाइन लगी है, ये टिकट काउंटर गेट नंबर 1, ठीक है। लिया वीकेंड का 30 रुपये है ना, सनी सैटरडे संडे का। ये देखो टिकट काउंटर ग्रैंड सेंट्रल पार्क। चलो चलो चलो, आ गए भाई, एंट्री हो गई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टिकट फाड़ दिए बस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर थीम गार्डन, लेक जोन, स्पोर्ट्स अरेना, प्ले जोन, सब कुछ यहीं पर है। और इधर बच्चे लोग का झूला वगैरह, चलो देखते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट झूला दिखा रहा हूँ आपको, जैसे गेट के अंदर मुझे राइट साइड में ही है ये। और ये देखो एडवेंचर की जगह, बहुत भारी जगह है भाई, आओ और सब लोग आओ। ये देखो भाई, फुल एंजॉय बच्चे लोग के लिए है, फवारा जैसी यह है, बच्चे लोग सब भीग रहे, मज़ा कर रहे, गर्मी का मज़ा तो यहीं ले रहे बच्चे, सारे बच्चे यहीं जमा हैं यहाँ, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देखो झूला वगैरह, यहाँ पर रस्सी वाला क्लाइम और स्लाइडिंग झूला हर टाइप का है, बच्चे लोग फुल एंजॉय करेंगे। आप लोग भी आ सकते हैं, बच्चे लोग के लिए एंजॉय करने का बहुत अच्छा जगह है। जस्ट सबसे पहले आप लोगों को सब बच्चों का झूला दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल क्रीम 2 से 4 साल बच्चे लोग का है, हाँ चढ़ने वाला है, चढ़ो आयत को चढ़ाओ। ये देखो, ये भी रस्सी वाला है, इस पर भी बच्चे चढ़ के एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब बच्चे लोग यहाँ पर बिजी ही रहेंगे, कोई फोकट नहीं बैठेगा, यहाँ पर आएंगे ना तब कुछ ना कुछ झूलते ही रहेंगे, बहुत ही अच्छा माहौल है, ग्रीनरी है बहुत। अभी ये भी एक झूला है, ये देखो झूला क्या है, ये सुरंग है, बच्चे इधर से उधर निकल सकते हैं। और इसके सामने ही, जस्ट सामने ये देखो, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पर स्लाइडिंग लगा हुआ है, भूल भुलैया भी है, यहाँ पर भी बच्चे फुल एंजॉय करेंगे। आइए यहाँ का भी नज़ारा देखते हैं, देखो किस तरह से बच्चे लोग ऊपर चढ़ चढ़ के स्लीप हो रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और सामने देखो ये भूल भुलैया है, ऊपर भी बना हुआ है चढ़ने के लिए, बच्चे लोग पकड़ पकड़ के चढ़ सकते हैं। ये सामने एक तरह का भूल भुलैया भी है, और ये स्लाइडिंग तो आपको पता ही, ये देखो बच्चे लोग कैसे चढ़ रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट।
कोई भी बच्चा यहाँ खाली नहीं बैठेगा, अपना काम करते ही रहेगा। हाँ, कोई ना कोई झूले में फंसा ही रहेगा। बहुत ही अच्छा माहौल है, आप लोग आए अपने बच्चों को साथ में लाए, बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखो झूला, सब झूला है। बस ये है कि सैटरडे संडे जो है ना थोड़ा ज़्यादा क्राउड रहता है। एक्सरसाइज भी यहाँ कर सकते हैं आप लोग अगर करना है तो, हालांकि घूम घूम के इतना थक जाओगे एक्सरसाइज कहाँ करोगे। और सैटरडे संडे रहता है और मंडे को बंद रहता है, आपको बताना था, मंडे को बंद रहता है और सैटरडे संडे को 10 रुपया वही ज़्यादा रहता है, 30 रुपये रहता है। ये देखते भाई, ये कैंटीन लग रहा, देखते क्या है। बोतल 40। ओहो, यहाँ भी पानी वानी वगैरह मिलेगा। वैसे यहाँ पानी वानी सब मिल जाता है। ये कैंटीन का काम चालू अभी कब बनेगा क्या मालूम, लेकिन ये है कि पानी आप लेकर भी आएँ और यहाँ पर पानी का इंतज़ाम मिल जाएगा। और अभी हम चल रहे हैं नीचे गार्डन में, गार्डन एरिया के बाद फिर देखो ये कचरा फेंकने का डस्टबिन वस्टबिन सब यहीं पर रहे। आप यहाँ पर अपना कुछ भी कचरा डाल सकते हैं, कचरा ना फैलाएं रोड पे, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और ये हम आ गए इसके लोगों पे, नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क। मैं भी एक दो फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, भाई सब फ़ोटो खिंचा रहे, वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है। चलो अब आगे चलते हैं, सामने कुछ लोग चेस खेल रहे, चलो देखते हैं। ओहो, ये तो उठा उठा के ले जाने वाली बात, खेलने में बिजी रहेंगे तो भाई घूमेंगे कब गार्डन, यहाँ खेलने थोड़ी आए हैं, यहाँ गार्डन घूमने आए। चलो आगे चलते हैं, चेस तो घर में भी बैठ के खेल सकते हैं ना, ठीक है। बाकी चेस लवर लोग के लिए बहुत सही चीज़ है। हाँ भाई, हर चीज़ के लिए जिसको जो खेलना है भाई खेलो, कोई बोर नहीं होएगा। चलो आगे, अभी ये ट्री हाउस है सामने, ठीक है, बच्चों लोग के लिए तो बहुत भारी भारी जगह है भाई, एक से एक एक्टिविटी की जगह बना है। ये देखो ट्री हाउस, बच्चे लोग इसमें भी, छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, 4 साल से छोटे। बाकी आप लोग इधर पढ़ सकते हो क्या लिखा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पढ़ ले हो। और आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। देखो भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक कार भी है, सीनियर सिटीजन लोग के लिए पूरा घुमाते हैं ग्राउंड, जो सीनियर सिटीजन से उन लोग के लिए, जो चलने ही पाते उन लोग के लिए, सबके लिए नहीं है। हाँ भाई पहले बता रहा हूँ। और हाँ, मंडे को बंद रहता है, ये भी ध्यान रखना, मंडे को कोई नहीं आएगा। देखो वॉल क्लाइंब बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छी है, बच्चे लोग को लेकर आओ इधर प्रैक्टिस कराओ, बच्चे लोग के लिए तो फुल मज़ा है इधर भाई। अभी देखो इससे सामने निकलेंगे, अपना ये बास्केटबॉल वगैरह फुटबॉल वगैरह का मैदान है इधर बना हुआ पूरी, लेकिन बंद है अभी, इसमें कोई अभी है नहीं, ठीक है। इसका अलग से चार्ज पे करना पड़ता है, अगर आपको मैच वगैरह करना है खेलना है तो इसका अलग से बुकिंग कराना पड़ता है, ऐसे ही नहीं रहता है, बुकिंग करना पड़ता है, होता है। और आगे देखते चलते क्या है आगे, इधर का ये इस पट्टे में है तो सोच रहा हूँ पूरा घूम, यहाँ पर तो बंद है रास्ता भाई, ये रास्ता बंद है, अंदर कुछ रास्ता बंद है, चलो इधर चले आते हैं। वहाँ पर स्केटिंग का था लेकिन वो बोले बंद है भाई, तो इसके लिए चलो ये बाजू में से टर्न मार लिए ग्राउंड से। अभी ये सीधा सीधा आ गए हम लेक के पास, यहाँ का भी नज़ारा एक नंबर, ओहो क्या नज़ारा है यार भाई, ज़बरदस्त देख रहे हो, एकदम बेहतरीन, बैठने का भी पूरा सिस्टम दिया गया है,
यहाँ पर ऐसे लग रहा है कोई प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होएगा, स्टेज शो भी छोटा मोटा बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखो बैठने के लिए पूरा सीढ़ी की तरह दिया गया है, ठीक है, इसे बैठ सकते हो और सामने स्टेज बना सकते हो, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। चलो और आगे चल के देखते हैं ज़रा इसका। वाह बेहतरीन बना है भाई, ये सब तार और लगा है ना, इसलिए रात में ना बहुत अच्छी लाइटिंग देता है। इसको रात में भी आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा मैं, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा देख लो, नाइट का भी व्यू बहुत अच्छा आएगा इसका। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम आप कर सकते हैं इसमें, ये देखो क्या बैकग्राउंड दिया है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बैकग्राउंड है। और इतना मस्त मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, गर्मी में भी अच्छा मौसम हो गया है। और आजू बाजू इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, और ये देखो लेक, ओ फवारा चल रहे है, सब बैठे हैं आराम से, क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त नाइट व्यू बहुत अच्छा है भाई, नाइट में इसका व्यू बहुत अच्छा है, देख के ही समझ में आ रहा है। तो नाइट में कभी नज़ारा आप लोगों के कराएंगे। और ये ब्रिज बहुत भारी लग रही है भाई, इसमें भी लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम है, नाइट में एकदम बेहतरीन दिखेगा। आ जाओ पीछे पीछे, आप लोगों को दिखाता हूँ ब्रिज का नज़ारा। ओह क्या नज़ारा है यार, पास से देखो नज़ारा इसका, ज़बरदस्त बहुत भारी फोटो, बहुत मस्त आती है भाई, बहुत ज़बरदस्त शूट होता है। ये देखो इधर नीचे देखो क्या नज़ारा है यार, ज़बरदस्त है ना, एक नंबर की जगह। अभी ऊपर से भी एक बार नज़ारा देख लो, एंजॉय करो फुल व्यू का। आ गए हम बांबू वाले एरिया में, यहाँ पर देखो लेकिन बांबू का नहीं है, ये लोखंड का है, लोग समझते हैं बांबू का नहीं है, ये लोहे का है। और ये नाइट का भी बहुत बेहतरीन है इसका भी, नाइट का इसका भी आपको दिखाऊंगा मैं, एंड में सब दिखाऊंगा। ये बहुत प्यारा व्यू है इसका, नाइट का भी इसका भी, इसको भी आप लोग एंजॉय करो फुल,
ठीक है। देखो यहाँ से रास्ता है पार्क में जाने के लिए, और इधर से रास्ता है, देखो ये जापानी गार्डन है, ठीक है। ये देखो इसमें भी थीम दिया गया, जापानीज थीम दिया गया, अच्छा है। आप लोग फोटो वीडियो शूट करा सकते हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का भी। और ये चाइनीज थीम में आ गया, चाइनीज गार्डन, यहाँ का भी नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का भी फोटो एक नंबर आता है भाई, फोटो वीडियो सब ज़बरदस्त है यहाँ का भी। आप लोग इसको भी इंजॉय करो, मतलब प्लांट बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई यहाँ पर, बहुत एक से एक फूल है, हरियाली बहुत है, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छे है। देखो चारों तरफ आप इधर भी देखो, कोई ना कोई प्लांट है ही, देख रहे हो। और आज संडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्राउड है, हालांकि अभी नया है इसलिए क्राउड ज़्यादा ही है। और जिसको देखो वही भाई यहाँ फोटो शूट वीडियो इंस्टाग्राम रील सब बन रहा है, इधर बहुत सारे आए थे यहाँ पर ना यूट्यूबर इंस्टाग्राम वाले बहुत आए थे। ये देखो क्या ज़बरदस्त है भाई, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ, बहुत ही प्यारा व्यू। आ गए मुगल गार्डन में भाई, मुगल पार्क, अच्छा है, इसका भी थीम बहुत प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त। अब आप लोग मुगल गार्डन का को भी इंजॉय करो, ये देखो अच्छी कारीगरी है भाई, सामने फव्वारा है, फवारे में से पानी बेहतरीन, ज़बरदस्त बना है भाई, वाकई में बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप लोग साथ में कमेंट भी करते रहो। ओह देख लो यहाँ भी ग्रीनरी फुल ध्यान रखा गया है, ये देखो जबर, ये है चौथा मोरक्कन गार्डन, ठीक है, मोरक्कन गार्डन है और ये चौथा है, हाँ चौथा गार्डन है। अभी आप लोगों को इन चारों में से कौन सा बेहतरीन लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत ही प्यारा गार्डन है ये भी। अभी हम आ गए भाई झरने के पास, अब आप लोग इस झरने का भी नज़ारा कर लीजिए, ऐसा लग रहा रियल है ना, और भाई सब आर्टिफिशियल है, सब बनाया गया है, ठीक है। और एक नज़ारा इधर से भी ले लो। अब हम लोग यहाँ थोड़ा वेट करेंगे रात का, और फिर जब लाइट चालू होगी उसके बाद का नज़ारा करेंगे। 3 घंटे से कंटिन्यू चल रहे भाई, थक गए, थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब रात होगी तो आपको उसका नज़ारा दिखाएंगे, ठीक है। हम रेस्ट करते हैं और आप इंजॉय करो।
3। देखो नज़ारा भाई, नाइट का व्यू। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई नाइट का व्यू कैसे लग रहा है। अब देखो नज़ारा ज़रा, ओ जबरदस्त यार, बहुत ही प्यारा। आप लोगों को मोबाइल में कैसे दिख रहा है मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू है भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। नाइट में अलग ही लेवल का है एकदम। और आप लोगों को बांबू वाला भी दिखाना है, वहाँ का भी व्यू एक नंबर है, वहाँ का भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन पहले अभी थोड़ा सा चलते हैं, और चलते चलते आपको नाइट व्यू भी दिखाते हैं। बने रहें लास्ट तक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगा वीडियो, ठीक है। चलो अभी इसको भी घुमा लेता हूँ, अच्छा एक बार थोड़ा, कहीं ना कहीं तो गाड़ी रुकेगी जाके। इस पहिए को घुमाते, अब पहिया है कि स्टेयरिंग है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन घुमा तो लेता हूँ। थोड़ा एक्सरसाइज का थीम है, फिर भी अच्छा है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्टिविटी कर रही है। ये देखो एक दिन में अपन कहाँ बिल्डर बनने जा रहे। चलो भाई पेट तो कम नहीं हो रहा, हमसे बना के क्या करेंगे हैं। अच्छा पैदल चल के ही कुछ कम हो जाए। चलो चलते हैं भाई आगे देखते हैं। ओ हो हो लाइट देखो, ये देखो ऐसा लगता है तुम जब भुट्टा है। लाइट देखो, ये झाड़ को मतलब भुट्टे का झाड़ है, पर ये भुट्टे का नहीं है भाई, बहुत धार है पत्ती में, इसके पत्ती में बहुत धार है। चलो भाई अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, 8 बज गए, अब हम लोग बाहर निकल जा रहे हैं। अभी चालू है, लेकिन 9-10 बजे तक चलता है, लेकिन चलते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, पसंद होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। कमेंट तो ज़रूर करें, आप लोगों को कौन कौन सी जगह अच्छा लगी कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।